अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी गेमिंग अच्छी चल रही है। यार फ्री फायर में आ चुका है हमारा ईदी होगी किसकी इवेंट। यहाँ का तो ईद इवेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यार ये वाले रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का यार इशू आ रहा है कि उनका इवेंट ओपन नहीं हो रहा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि आप इवेंट कैसे ओपन कर सकते हो, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में यार आपको टॉपअप वेबसाइट के इश्यूज के बारे में बताऊंगा। न्यू टॉपअप वेबसाइट हमने बताई थी तो उसके बारे में बताऊंगा कि यार वर्क क्यों नहीं करी है, तो वो भी आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, ठीक है गाइज। और 500 लाइक हमारा इस वीडियो पे है तो वो जरूर कंप्लीट करा देना। एंड गाइज हमारी 8K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो यार जल्दी से हमारी 8K की फैमिली को कंप्लीट करा देना। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। तो आते हैं यार अपने टॉपिक की तरफ। तो यार सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको अपने इवेंट्स में। तो यार इवेंट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ईदी कैलेंडर है जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ है। और ईदी होगी किसकी इवेंट चल रही है जिसमें आपको वॉच मिल रही है, देखने को मिल रही है रिवार्ड में। उसके अलावा आपको फोन मिल रहा है, देन आपको बाइक मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कोबरा बंडल है गाइस, और यहाँ पे हमारी आईफोन सीरीज वॉच है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यार ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसको ओपन करने का तरीका यार मैं बताता चलूँ यार कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एक काम आपने ये वाला कर लेना है, अगर आपका ये नहीं होता है कंप्लीट, ठीक है, तो दूसरा काम आपने क्या करना है इसके, दूसरा काम आपने क्या करना है कि यार ये आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस इवेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15/5 ईदी होगी किसकी .ff.garena.com आगे आपका लिंक, ठीक है। तो ये आपने जो है डिस्क्रिप्शन से उठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है और उसके बाद क्या होगा गाइज के, तो गाइज इवेंट ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो week 2, week 3 और week 4 है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि यार इसका week 1 कहाँ पे है, तो यार week 1 आपको ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका है, ठीक है। पैराशूट आपको मिल चुकी है, उसके अलावा आपको जो है हमारा लूट बॉक्स था वो हम आपको मिल चुका है। आपने देखा ही होगा होली ग्रेल या कुछ इस तरह का नाम था उसका, ग्रीन सा आपने क्लेम कर ही लिया होगा 23 तारीख से 27 तारीख तक। तो वो आपका जो है मतलब रिवार्ड आपको मिल चुके हैं दोनों, ठीक है। एंड अभी क्या है इसके, अभी आपको मिलने वाले हैं रिवार्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा बाइक, आपको मिलेगा फोन, उसके अलावा आपको फ्री डायमंड मिलेंगे, देन आपको जो है ब्लू फ्रेम ड्रैको की स्किन मिल रही है week 2 में, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि यहाँ पे आपको week 3 में इस तरह से बाकी रिवार्ड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको आईफोन भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सैमसंग का फोन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो रिवार्ड चेंज है ना गाइस, वो आपका यहाँ पे क्या है कि आपको स्कार की स्किन देखने को मिल रही है। एंड गाइस week 4 में आप देखो तो week 4 में यार क्या है कि week 4 में आपको 2 बाइक्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है कोबरा MP40, यहाँ गाइस तो कोबरा MP40 मैक्स लेवल आपको मिलने वाली है इस इवेंट में। तो यार सबसे पहले हम इसको करते हैं ओपन week 2 को। तो यार week 2 की टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखाते चले, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 से 1 तारीख तक ये इवेंट चलेगा, मतलब week 2 चलेगा इसका अपना FF रमजान शो के नाम से, ठीक है। FF अपना रमजान शो week 2। तो इसमें क्या है कि आपने कंप्लीट करने हैं डेली मिशंस और उसके अलावा आपको मिलेगा लकी नंबर, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी जो है लकी नंबर के साथ आप यूज कर सकते हो, मतलब आप उनको इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और क्या होगा कैज कि आपको वॉच करनी होगी लाइव स्ट्रीम एवरी सैटरडे। सैटरडे को आपने स्ट्रीम वॉच करनी होगी जिसमें आपको जो है रिवार्ड्स या इस तरह का कुछ बताया जा सकता है। अभी ये कन्फर्म नहीं है क्या चीज़ इसमें बताई जाएगी, बट यह है कि यार हो सकता है कि रिवार्ड जो है रिवार्ड के विनर वहां पे अनाउंस किए जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट को हमने ओपन कर लिया है। तो इधर क्या है गाइस कि इधर आपको टाइम दिख रहा है इस इवेंट का, ये टाइम कितने तक चलने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने देख सकते हो यहाँ पे लकी नंबर, तो अभी मेरा लकी नंबर कोई नहीं है क्योंकि मैंने रजिस्टर ही नहीं किया, तो मेरा लकी नंबर नहीं है। तो यार सबसे पहले काम आपने करना है लकी रजिस्टर करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखते हो हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली है। तो अभी हम लकी नंबर उठाते हैं, यहाँ पे अभी भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कोड जो है कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करके आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिस तरह से हमने क्या किया ना कि यार हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे ना, ये कोड वाली जो जगह है ना, यहाँ से हमने अपना कोड कॉपी किया ना, तो ये कोड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे।
और जिस दोस्त को आप शेयर करोगे ना गाइस, तो उस दोस्त को कहना है कि यहाँ पे आपने कोड जो है पेस्ट करना है, आपके वाला जो आपने उसको सेंड किया ना, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करवाना है और यहाँ पे आपने एंटर कराओगे तो आपको क्या होगा कि 1 लाख नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लकी नंबर 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है, इस वजह से मुझे लकी नंबर मतलब नहीं मिला है। तो जैसे जैसे आपकी जो है लक बढ़ती जाएगी ना, आपका जो है नंबर चेंज हो होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके रिवार्ड्स के बारे में, इसके जो हाउ टू बिकम लकी विनर, ठीक है। तो क्या है कि गाइस आपको वीक 2 में रजिस्टर करना है सबसे पहले, वो चीज़ तो हमने कर ली थी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपने लाइव स्ट्रीम वॉच करनी है 9 तारीख को, 1 तारीख को 9 बजे, रात बजे 9 बजे लाइव स्ट्रीम होगी फ्री फायर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर, तो आपने वो वॉच करनी होगी। वीक 3 का भी इसी तरह से है, जो कि 2:05 से 8:05 तक चलेगा और लाइव स्ट्रीम इसकी आपको 9 बजे वॉच करनी पड़ेगी। उसके बाद आई थिंक ये 8 को जो है लाइव स्ट्रीम होने वाली है, जो कि आप वॉच करोगे। ये देख सकते हो गाइस 8 मई को है, इसी तरह 1 मई को है स्ट्रीम में। एंड देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3rd वीक 4th वीक भी इसी तरह से है 9 से 15 तक, ठीक है। तो ईद इवेंट भी इसमें कवर हो जाता है, ईद भी इसमें कवर होगी, बट आपको 15 तारीख को ईद के दिन स्ट्रीम होगी जिसमें आपको मेगा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यार आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो आप लॉगिन रिवॉर्ड कर सकते हो, लॉगिन रिवॉर्ड ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको 1 टर्न मिलेगी, ठीक है। आप डेली रजिस्टर होगे, डेली 1 बार रजिस्टर होगे इस इवेंट में। उसके बाद आपने क्या करना है कि यार आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास लकी नंबर हुआ करेगा, ठीक है, मतलब आप रजिस्टर हुए तो आपको एक लकी नंबर मिलेगा। तो आप ज़्यादा लकी नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को अपना कोड जो है शेयर करके, ठीक है, इस इवेंट में, ठीक है। तो इस इवेंट को आपने ज्वाइन करवाना है अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने कोड के थ्रू ये काम आपने करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन अ फ्रेंड इनपुट योर रेफरल कोड यू विल गेट अ लकी नंबर, तो जब आपका दोस्त जो है इनपुट करेगा ना कोड, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे आके ना आपने अपने दोस्त से जो है ना यहाँ पे इनपुट कोड जो है आपने करवाना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे इनपुट रेफरल कोड हेयर आ रहा है, तो इधर आपने अपने दोस्त से जो है अपना रेफरल कोड एंटर करवाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम दोबारा आते हैं इसकी टर्म्स में, तो बाकी टर्म्स कौन सी रह जाती हैं यार, तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो जितने मतलब आपके दोस्त होंगे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका था। तो क्या है कि आप देखते हैं, एक प्लेयर को जो है क्या मिलेगा, 1 रेफरल कोड, ठीक है, एक इवेंट में 1 रेफरल कोड मिलेगा, ठीक है, जो कि आप एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट ईदी इवेंट, किसी का भी, मतलब आप मेरा अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। बट क्या है कि यार आपका एक ही बार आप यूज़ करोगे, मतलब 15 दिन 20 दिन का जो इवेंट है, 3 वीक्स का इवेंट है 21 दिन का, तो इसमें आप एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हो अपना रेफरल कोड, ठीक है। तो ये एहतियात से करना, अपने दोस्त को ही आप बेशक दे देना यार, जो भी आपका करीबी दोस्त हो जिसके साथ आप डेली गेम खेलते हो, आपका भाई वगैरह हो छोटा, आप उसको दे सकते हो। अगर आप हमें देना चाहते हो तो यार आपको हमारा कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप के ऊपर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे आते हैं, तो लास्ट वाली चीज़ क्या है कि हर नंबर जो है आपका काउंट होगा पॉइंट के तौर पे, ठीक है। तो आपको एक नंबर डेली का मिला करेगा जो कि आपका काउंट होगा पॉइंट में, ठीक है। तो ज़्यादा जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और जो आपको लकी नंबर मिलेगा ना, जो उसके आप मतलब जो है क्या करोगे, एक्सचेंज भी कर सकते हो रिवार्ड्स का, ठीक है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं, सॉरी गाइस, जो पॉइंट्स हैं ना, आपके टोटल पॉइंट्स हैं, आप उनको एक्सचेंज करके रिवार्ड में भी ले सकते हो। तो अभी यार हमारा क्या है कि हमारे अभी पॉइंट्स नहीं हुए हैं उतने कि हम रिवार्ड क्लेम कर सकें। तो यार यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, एक्सचेंज इवेंट में जाते हैं। तो एक्सचेंज इवेंट में क्या है गाइस कि जब आपके पॉइंट्स हो जाएंगे ना, देख सकते हैं 1 पॉइंट पर आपको स्कैन मिल रहा है, 3 पॉइंट पर आपको डायमंड रॉयल वाउचर मिलेंगे जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, इसी तरह 5 पॉइंट पर आपको एक पैराशूट मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या गाइस, आपको बनी वाली स्केटबोर्ड मिल रही है, इधर आपको फाल्को मिल रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट्स पे। एंड देन गाइस यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे रिवार्ड्स मेरे पास हैं, तो यार मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, मैं इसको अपने लक पे ही रखने रहता हूँ, ठीक है। तो वाउचर मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं करता इसको, या अभी क्लेम नहीं करता, बाद में इसको मैं क्लेम कर लूँगा। ये सारे रिवार्ड्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं छेड़ता, मैं इसको भी यहीं पर रहने देता हूँ। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने इस इवेंट की आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई भी क्यूरी वगैरह हो ना इस इवेंट के रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो। टोपो वेबसाइट का आप बताता चलूँ आपको, तो टोपो वेबसाइट का क्या है यार कि टोपो वेबसाइट पे जैज कैश का सर्वर डाउन है, ठीक है। तो जैज कैश जब आप ओपन करते हो ना, तो वहाँ पर आपको मतलब या तो आपको लिमिट फुल आ जाएगा, ठीक है,
आपके के 40,000 की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, 25,000 की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। ये जो ऐप है गाइस, ऐप में आपको मैसेज जो है पॉपअप शो होगा, वो आपको शो होगा कि यार आपका टेक्निकल एरर है, हमारा टेक्निकल एरर है, जिस वजह से आपकी हम ट्रांजेक्शन पूरी नहीं कर सके। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी आज आपने इसको छेड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हमारा बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं हुआ शायद इस वजह से, तो उसका कोई इशू नहीं है यार, इनके सर्वर का इशू है, हर जगह पे ये इशू था, तो टॉपअप जिस वजह से आप नहीं कर सके उस मेथड के थ्रू। तो ये चीज़ें थी। एंड गाइस, मैंने कहा था कि यार न्यू वेबसाइट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यार वो भी पोस्टपोन है यार, उसका भी मेथड्स वगैरह का अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं एक दो दिन में जो है उसके मुताबिक आपको जो है मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे वर्क करती है, जो भी है। जैसे ही हमारा उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है ना, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस गाइस ये बताना था यार आज की इस वीडियो में। होप सो यार कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइस, तो हम मिलेंगे यार आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।